हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल स्टाइल भाई। बताते रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक और गैजेट से जुड़ी हर जानकारी। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आज आप एक सिंपल से फोन और एक ऑडियो जैक की मदद से अपने टीवी में होम थिएटर की तरह गाने कैसे बजा सकते हैं। जी हाँ, हम आपको यही बताने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए चाहिए आपको एक टीवी, चाहिए वो पुराना हो या नया, और एक 3.5 mm का जैक जो इस प्रकार है, और एक मोबाइल, और फिर एक DTH, चाहे वो एयरटेल हो या नॉर्मल DTH हो, ये मस्ट है, ये आपको चाहिए। इसके बिना आप होम थिएटर नहीं बना सकते। दोस्तों, आप ये पोर्ट तो देखे होंगे क्योंकि ये आपके टीवी या फिर DTH या सेटअप बॉक्स के पीछे लगे होते हैं। यही पोर्ट है जो आप यहाँ पे आपको ऑडियो जैक कनेक्ट करना है, जिसके सहारे आप गाने को आसानी से बजा सकते हैं। यह 3 कलर का होता है, जो पहले होता है पीला, पीला है यानी येलो, ये वीडियो के लिए होता है। दूसरा है रेड यानी लाल, ये लाल जो है ये लेफ्ट ऑडियो के लिए होता है, यानी लेफ्ट साइड के ऑडियो के लिए होता है। और तीसरा जो है वह है वाइट, वाइट आपका राइट के लिए होता है, यानी राइट ऑडियो के लिए होता है। तो इसके लिए आपके सामने ये रहा सर्किट। सर्किट का जो टीवी पोर्ट है, टीवी और DTH का पोर्ट, सीधे जो वीडियो पोर्ट है, मतलब ये वीडियो पोर्ट है वो सीधे जुड़ना चाहिए, और जो टीवी का पोर्ट है वो रेड और वाइट, वो मतलब आपको मिलेगा बाजार में शायद 20 से 30 रुपये में वो पोर्ट, 3.5 mm जैक वाला ये पोर्ट आपके मोबाइल से कनेक्ट होगा, और ये पोर्ट आपके टीवी में लगेगा, और आपका जो DTH है वो 2 पोर्ट खाली रहेगा। उस समय आप सिर्फ DTH का वीडियो देख सकते हैं, उसका ऑडियो नहीं सुन सकते। इस प्रकार और यदि आपके पास मतलब आपका DTH रिचार्ज नहीं है, फिर भी ये आपका काम करेगा। DTH रिचार्ज हो चाहे ना हो, पुराना हो या नया हो, या सिग्नल हो या ना हो, फिर भी ये आपके ऊपर काम करेगा। ये एक बहुत ही शानदार तरीका है, मतलब पैसे बचाने का है। लगभग आप 20 से 30 रुपये में ये बना सकते हैं, और यदि आप एक अच्छे सिस्टम यानी होम थिएटर लेने जाते हैं बाजार में, तो आपको कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये पे करना पड़ता है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। यदि कोई परेशानी हो तो स्पेशल करके आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।